क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम से पहले एक सब्जेक्ट की बड़ी चिंता हुआ करती थी हमें, साइंस। न्यूटन के नियम से ज्यादा मुश्किल उस नियम की परिभाषा में यूज होने वाले शब्द थे, वेलोसिटी, मोमेंटम। वैसा ही कुछ बजट के साथ भी है, शब्द टेक्निकल होते हैं और ज्यादातर बजट तो सिर्फ इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि बजट में भारी भरकम इंग्लिश यूज होती है। वही बात है कि अंग्रेजी बोलने पर शब्दों का वजन अपने आप बढ़ जाता है, जैसे आप लौकी को बॉटल गार्ड अगर बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फील होता है, खा आप लौकी ही रहें। इन दोनों वजहों के चलते पैसे का हिसाब किताब समझना भी मुश्किल हो जाता है। जब बजट जनता का तो आसान भाषा में बजट समझ भी आना चाहिए। इसी पहल में हम आपको बजट के कुछ बेहद कॉमन पर न समझ में आने वाले शब्द समझाने वाले हैं, जिससे आप 23 जुलाई को आए बजट को आराम से समझ लें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाने वाली हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। पहले आप समझ लीजिए कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के बीच का फर्क। पर्सनल का मतलब है निजी और इनकम मतलब आमदनी, यानी जो टैक्स किसी व्यक्ति की आमदनी पर लगाया जा सके या लगाया जाता है उसे कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। ये वही है जिसका जिक्र बजट के दिन हर न्यूज चैनल पर होता है। जब बात होती है कि टैक्स में कितनी छूट मिली तो लोग इसी पर्सनल इनकम टैक्स का जिक्र करते हैं। सरकार हर साल टैक्स स्लैब बनाती है और ये निर्धारित करती है कि कितनी आमदनी पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब ये टैक्स नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ आसान होता है, समझ में आ जाता है, पर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इसमें कुछ पेचीदगियां हैं और यहाँ बात आती है कॉरपोरेट टैक्स की। कॉरपोरेट टैक्स यानी किसी कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स। देश का कानून कुछ अलग है, यहाँ कंपनी और कंपनी के मालिक दो अलग एंटिटी यानी दो अलग इकाइयाँ माने जाते हैं। इसे आप उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए ABC इंफ्राटेक नाम की एक कंपनी है, इसने साल में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब आप ये भी मान लीजिए कि ABC इंफ्राटेक के 3 मालिक हैं, मुकेश, सुरेश और राहुल। ये फेवरेट नाम है हमारे उदाहरणों के लिए। एनीवेज, ये तीनों लोग कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं। सबसे पहले सरकार इस कंपनी के ऊपर कॉरपोरेट टैक्स लगाएगी। मान लीजिए कॉरपोरेट टैक्स 10% है तो सरकार को 1,000 करोड़ का 10% यानी 100 करोड़ कॉरपोरेट टैक्स मिला। इसके बाद बचे 900 करोड़ तीनों मालिक में बट जाएंगे, सबके हिस्से आएंगे 300 करोड़। अब इन तीनों की इनकम पर पर्सनल इनकम टैक्स लगेगा। मान लीजिए पर्सनल इनकम टैक्स भी 10% है। अब मुकेश, सुरेश और राहुल अपनी कमाई से 30-30 करोड़ सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स के नाम पे देंगे तो सरकार को कितना पैसा मिला? 100 करोड़ कॉरपोरेट टैक्स और 90 करोड़ पर्सनल टैक्स। अब बात दूसरे चर्चित शब्द की, जिसको आपने कई बार सुना है, हमने भी आसान भाषा में कई बार समझाया है, आज एक बार फिर समझाते हैं, फिस्कल डेफिसिट। बजट जारी होने के बाद विपक्ष के नेताओं का एक बयान हमेशा सामने आता है, बजट में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसी बाइट बना के रखी होगी, उस दिन बस पब्लिश होना है। हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर ये फिस्कल डेफिसिट क्या है। डेफिसिट यानी कमी। डेफिसिट की स्थिति तब बनती है जब पैसा जरूरत से कम हो, यानी आमदनी कम है और खर्च उससे ज्यादा। आमतौर पर हम सब जिंदगी में इस स्थिति से दो चार होते ही हैं। आमदनी हमेशा कम होती है, खर्च हमेशा ज्यादा होता है, तो यही स्थिति सरकार की भी होती है। बस फर्क इतना है कि हमारा डेफिसिट कुछ 1,000 रुपयों का होता है और सरकार का लाखों करोड़ों का। हम अपने घाटे को भले ही कैजुअली ले लें, सरकार नहीं ले सकती। अपने हर घाटे को वो अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखती है, यानी कौन सा घाटा किस वजह से हुआ। इसमें एक कैटेगरी है फिस्कल डेफिसिट। बहुत सिंपल बात है, जब सरकार का खर्च ज़्यादा हो और आमदनी कम, तब एक साल के टोटल खर्च और एक साल की टोटल आमदनी के बीच का जो फर्क होता है उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। आप मिसाल लीजिए, 2023-24 में सरकार की कुल आमदनी 27,20,000 करोड़ रुपये थी, लेकिन खर्च था 45 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, यानी 17,80,000 करोड़ का डेफिसिट। यही था साल 2023-24 का फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट को हमने उदाहरण से बताया, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को संख्या में नहीं बताती है। बड़ा लगता है ना सुनने में। अपने सरकार ने इस घाटे को हमेशा GDP के प्रतिशत में बताती है, इस वजह से हमें घाटा सुनने में बहुत कम लगता है। जैसे 17 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है ये, मगर फीसद में GDP का 5.9% ही है।
जिस तरह से आपकी आमदनी और आपकी सारे संपत्ति का दाम जैसे घर एफडी बराबर नहीं होते, हो सकता है कि घर और एफडीज को मिला के आपके पास लाखों रुपए हों या करोड़ों रुपए हों, लेकिन आमदनी जनरली हमारी कुछ हज़ार रुपए या कुछ लाख तक के ही होती है। दोनों के बीच बहुत गैप है। वैसे ही जीडीपी और बजट बराबर नहीं होते। देश की जीडीपी 301 लाख करोड़ के आसपास है हिंदुस्तान की, वहीं बजट में जो आमदनी होती है सिर्फ 27 लाख करोड़। हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि आमदनी के मुकाबले डेफिसिट 65% है। थोड़ा और बेहतर समझने के लिए उदाहरण की मदद लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपये है ना, लेकिन उसका खर्च 1650। उसने 650 यानी अपनी इनकम का 65% उसे कर्ज लेना पड़ा। अब अगले महीने फिर से उसका खर्च तो उसकी आमदनी से ज़्यादा ही होगा, तो वो पिछला कर्ज चुकाने की स्थिति में होगा क्या? नहीं होगा। अब वो कर्ज लेकर कर्ज ही चुकाएगा। ऐसा ही हाल सरकार का भी है, वो भी कर्ज लेकर के पिछले कर्ज को चुकाती है। उदाहरण के बाद आप फिगर्स देख लीजिए। साल 2019-20 में सरकार की आमदनी 17.5 लाख करोड़ रुपए और डेफिसिट 9 लाख करोड़ से ज़्यादा था। 20-21 में आमदनी 15.5 लाख करोड़ रुपए और डेफिसिट आमदनी से भी ज़्यादा था। साल 2021-22 में आमदनी 21 लाख करोड़, डेफिसिट 15 लाख करोड़। 22-23 में आमदनी 24 लाख करोड़ और डेफिसिट 16.6 लाख करोड़। अगले टर्म पे आते हैं, केपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब है पूंजी और एक्सपेंडिचर यानी खर्च। जो खर्च पूंजी बनाने में होगा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स कहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर घर, गोल्ड, बैंक में रखी सेविंग्स, एफडी जैसे इन्वेस्टमेंट्स पूंजी होते हैं, लेकिन सरकार के लिए पूंजी होती है रेलवे स्टेशन, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स, सरकारी कंपनियां। कैसे? सरकारी कंपनियां बिजनेस करती हैं तो उनके प्रॉफिट में एक हिस्सा सरकार का होता है या फिर उससे देश को लाभ होता है। बाकी सभी जैसे रोड, रेलवे बनाने से इकोनॉमी को तेजी मिलती है। सरकार इनके जरिए कमाई तो करती है, इन्हें लीज पर भी दे सकती है। जैसे हाईवे पर जो टोल टैक्स लिया जाता है वो कमाई ही है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक जरूरी फायदे के, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसका। एक उदाहरण आप ले लीजिए, इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए सरकार एक हाईवे बनाने में 1000 करोड़ का खर्चा करती है। स्वाभाविक है कि यह खर्चा कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, मटेरियल सप्लायर और मजदूरों में बटेगा। यानी 1000 करोड़ सरकार के खजाने से निकलेंगे और हाईवे बनाने में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जेब में आएंगे। मान लीजिए ये लोग अपनी कमाई के 20% की बचत करते हैं, बाकी 80% खर्च करते हैं। कोई इससे टीवी खरीदता है, कोई स्कूटी लेता है, कोई कुछ और लेता है। नतीजतन मार्केट में बढ़ती है डिमांड। इस तरह 1000 करोड़ में से 80% यानी 800 करोड़ मार्केट में वापस चला आता है। हाईवे भी बन गया आपका और 800 वापस भी आए। डिमांड में इजाफा हुआ, बाजार में तेजी आई और इकोनॉमी को मिला फायदा। इकोनॉमी में तेजी आने से लोगों की कमाई में भी इजाफा हुआ और इस तरह ये साइकिल चलती रही। अंत में 1000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में घूमते घूमते 5000 करोड़ भी बन सकते हैं। इस मल्टीप्लायर इफेक्ट से सरकारी खजाने को भी फायदा होता है। फरवरी 2022 में निर्मला सीतारमण ने संसद में ये बताया था कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपये खर्च करती है तो उसी साल में सरकार को लौट कर 2 रुपये 45 पैसे मिल जाते हैं। अब बात करेंगे खातों की कि सरकार कहाँ रखती है अपने पैसे को। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। जैसे हम लोगों की आदत है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग अकाउंट्स रखते हैं। मियाँ बीवी का एक जॉइंट अकाउंट होगा, एक सैलरी अकाउंट होगा, हो सकता है सेविंग के लिए कोई पर्सनल अकाउंट हो। वैसे ही भारत सरकार के भी 3 अकाउंट्स हैं जिनमें अलग अलग जगहों से आया पैसा रखा जाता है और अलग अलग कामों के लिए वो खर्च होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है। कंसोलिडेटेड का मतलब ही होता है बहुत सारी चीज़ों का एक समुच्चय। सो इस अकाउंट में बहुत सारी जगहों से आया पैसा इकट्ठा होता है और इसीलिए इसका नाम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इस अकाउंट में हमारे आपके द्वारा दिया गया टैक्स, इनकम टैक्स, GST, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला एक्साइज वगैरह जमा होता है। यहाँ तक कि सरकार अगर किसी राज्य को उधार देती है तो उस उधार पर जो ब्याज केंद्र को मिलेगा वो भी कंसोलिडेटेड फंड में ही जाता है। सरकार अपना सारा खर्च इसी अकाउंट से करती है। इस अकाउंट से अगर सरकार को पैसा निकालना है तो उसे लोकसभा की अनुमति लेनी पड़ती है जहां चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। पूरे साल के खर्च के लिए सरकार एक बार बजट पेश करके अनुमति ले सकती है। अगर साल के बीच में सरकार को फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को एक बार फिर लोकसभा जाना पड़ता है। इस अकाउंट के ऑडिट की जिम्मेदारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAC की होती है। इसके अलावा सरकार के 2 और अकाउंट्स होते हैं, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया,
कंटिजेंसी यानी कोई कंटिजेंट भविष्य में कोई अनहोनी होती है, कोई युद्ध की स्थिति बनती है, कोई बड़ी ज़रूरत आन पड़ती है, तो इस फंड में रखा पैसा सरकार अचानक आय खर्च में इस्तेमाल करती है और इसमें एक निर्धारित अमाउंट जमा रहता है और ये पैसा राष्ट्रपति के कंट्रोल में रखा जाता है। इसके बाद होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब कुछ पैसा ऐसा भी है जो पीएफ में लगा हुआ है, प्रोविडेंट फंड में। डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, यानी वो पैसा जो सरकार को अपनी संपत्ति या संपत्ति का हिस्सा बेचकर मिलता है, या नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स हैं, पीपीएफ है इसके अंदर, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, ये सारा पैसा इस अकाउंट में आता है। इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सरकार को लोकसभा की अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन इस अकाउंट का ऑडिट भी कैग करता है। अगला टर्म है डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड मतलब मांग और ग्रांट मतलब फंड या पैसा। डिमांड फॉर ग्रांट्स का सीधा मतलब हुआ पैसे की मांग करना। अब बजट में टर्म क्यों आता है ये आप बहुत इजीली समझेंगे। मान लीजिए आपके घर में बच्चे का एक फंक्शन है, आपके पास एक प्लान लेकर के आएंगे, आप बनाएंगे, वाइफ बनाएंगे, हो सकता है घर में कोई भी बनाए, तो वो आपको एक प्लान देते हैं कि डेकोरेशन के लिए 10,000 चाहिए, केटरिंग के लिए 50,000 चाहिए, और इससे आप पैसे की जो डिमांड है एक तरह से डिमांड फॉर ग्रांट कह सकते हैं। आप इस सारे खर्च को समझेंगे, विचारेंगे और फिर अनुमति देंगे कि खर्च करना है या नहीं, या करना है तो कितना करना है। ऐसा ही सरकार के साथ भी है। वित्त मंत्रालय सरकार के अलग अलग विभागों की पैसे की डिमांड को लोकसभा के सामने रखता है, इसी को सरकार डिमांड फॉर ग्रांट्स कहती है। इसके बाद लोकसभा इस पर वोटिंग करती है और वित्त मंत्रालय को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की अनुमति देती है। अगला शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। बता चुके हैं फिर बता देते हैं, इन्वेस्टमेंट का अर्थ निवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट उल्टा है, यानी जहां निवेश किया वहां से पैसा निकालना। हर सरकारी कंपनी में सरकार का कम या ज़्यादा हिस्सा होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये लिस्टेड है, इसमें सरकार का कुछ हिस्सा है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सरकार चाहे तो इन्हें पूरी तरह बेच सकती है जैसा पिछले दिनों एयर इंडिया के साथ हुआ, या फिर इसके कुछ शेयर्स को बेचकर वो पैसा जुटा सकती है। शेयर्स बेचने के लिए स्टॉक मार्केट के रास्ते भी सरकार आगे बढ़ सकती है, जैसे अभी LIC का IPO निकला था, या SBI के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में हैं, या फिर डायरेक्ट किसी इन्वेस्टर को भी शेयर बेचे जा सकते हैं। सरकार इसी नीति को डिसइन्वेस्टमेंट कहती है। इस पैसे का सरकार अलग अलग जगह पे उपयोग कर सकती है, जैसे किसी स्कीम में पैसा डालना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, या फिर अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना। अब जरूरत के हिसाब से सरकार तीन तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट यानी 50% से अधिक हिस्सेदारी को बेच देना, एक ज़माने में मारुति के साथ हुआ। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकार अपने पास कम से कम 51% की हिस्सेदारी रख ले और बाकी शेयर्स को मार्केट में बेचे, जैसे LIC है, SBI है, इंडियन ऑयल के साथ हुआ। और तीसरा है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन यानी पूरी कंपनी को ही बेच देना, जैसे एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया गया, या अंततोगत्वा जब मारुति से सरकार पूरी तरह पीछे हटी। तो ये थी बजट टर्मिनोलॉजी आपके लिए, इसे संकलित किया था आकाश ने और जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लंदन टॉक।